आप जाते हो नितिन गडकरी से मिलते, पिछले 6 महीने में आपने एक बार भी मिलने का समय मांगा क्या? एक बार मिले भी क्या? तो खाली बिहार में बैठकर राजनीति रोटी सेकने से नहीं होगा, भ्रष्टाचार के जो अकंठ में डूबा है वो काम समझ नहीं आएगा, उसको विकास की योजनाएं नहीं समझ में। तो 6 महीने से एक भी समीक्षा आप तेजस्वी यादव किए नहीं है और आज चीफ सेक्रेटरी के समीक्षा के आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानवीर बनने से अच्छा है सड़क पर उतर कर काम कीजिए, तब सड़क मंत्री बनने का समझ में आएगा, अदरवाइज केवल डाकिया बनकर। नमस्कार, मैं हूँ देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। तेजस्वी यादव नितिन गडकरी का थैंक यू करते हैं और कहते हैं कि बिहार में सड़क संरक्षा जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, और बाद में खिंचाई करते हैं 4 सड़कों का जिक्र करते हुए और ये कहते हैं कि इन सड़कों के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी, क्या कहेंगे? थैंक यू का क्या, उनको तो ये बताना चाहिए उन्होंने कितना काम किया 6 महीने में, कितनी योजनाओं की समीक्षा की। सबसे पहले तो उनको ये बताना चाहिए ना, चीफ सेक्रेटरी के समीक्षा का हवाला दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप डाकियां हैं क्या? आप बिहार सरकार के मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, आपके स्तर पर कितनी समीक्षा हुई? आपने कितनी बार जाकर केंद्रीय मंत्री से मिलकर अपनी योजनाओं की चर्चा की? और जिन 4 योजनाओं की चर्चा करें उसका इतिहास क्या है? उन योजनाओं के इतिहास में ये है कि लैंड एक्विजिशन में काफ़ी समय लगा और लैंड एक्विजिशन बिहार के लिए चुनौती रहा है। इस बात को समझिए, समीक्षा करिए, तब पता चलेगा। उस चुनौती के साथ साथ बिहार ने भी मदद किया और केंद्र ने उन योजनाओं को लगातार राशि देने का, पटना डोबी की बात करें, आज पटना डोबी में जिस प्रकार से केंद्र ने मदद किया, आज पूरे 4 लेन पटना डोबी बन रहा है, तो आपको तो केंद्र सरकार को आभार व्यक्त करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब बने थे उन्होंने बिहार के लिए 54,000 करोड़ की सड़क के क्षेत्र में कहा था, आज 1.5 लाख करोड़ की योजनाएँ चल रही हैं। तेजस्वी जी जाइए और विभाग को देखिए, समीक्षा कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि आज केंद्र का कितना मदद मिल रहा है। आपको तो आभार का पत्र लिखना चाहिए था, दुर्भाग्य है कि आप बिना समीक्षा के रूप में एक डाकिया के रूप में कंप्लेन पत्र लिख रहे हैं। आप जाते हैं नितिन गडकरी से मिलते, पिछले 6 महीने में आपने एक बार भी मिलने का समय मांगा क्या? एक बार मिले भी क्या? तो खाली बिहार में बैठकर राजनीति रोटी सेकने से नहीं होगा, भ्रष्टाचार के जो अकंठ में डूबा है वो काम समझ नहीं आएगा, उसको विकास की योजनाएं नहीं समझ में। लेकिन क्या आप मानते हैं 4 सड़कों का जिक्र तेजस्वी यादव ने क्या क्या निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है? निर्माण गति के नहीं, उसके पूरे इतिहास को जाइए, लैंड एक्विजिशन में कितना समय लगा, वो लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस से बढ़ा। पटना डोबी को लेकर लगातार हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसी लैंड एक्विजिशन के हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग के आधार पर लैंड एक्विजिशन का स्पीड बढ़ा। उसी योजनाओं को आप देखिएगा जो महेशपुर की बात कर रहे हैं, उसमें भी लैंड एक्विजिशन में समय लगा। लेकिन मेरा कहना है ये लैंड एक्विजिशन इतना आसान चीज़ नहीं है, इसकी समीक्षा होती है हर महीने, इसके मंत्री को समीक्षा करनी चाहिए। और मैं भी जब था और मेरे पूर्व कैबिनेट नंद किशोर जी लगातार समीक्षा किए, उन समीक्षाओं से ही गति आई। लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं, आप केवल उसको निकाल कर अपनी चेहरा चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज आपने क्या किया ये भी बताना चाहिए। केंद्र सरकार ने तो आज इस राज्य को सड़क के क्षेत्र में 3 गुनी राशि दी, 1.5 लाख करोड़ के काम हो रहे हैं बिहार में, उन योजनाओं को भी चर्चा करना चाहिए। आमद दरभंगा पथ की बात है, पिछले समय में टेंडर हुआ है, क्या नहीं उसके उसमें कितना लैंड एक्विजिशन आप करा पाए, उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो 6 महीने से एक भी समीक्षा आप तेजस्वी यादव किए नहीं है और आज चीफ सेक्रेटरी के समीक्षा के आधार पर बयानबाजी कर रहे हैं। तो बयानवीर बनने से अच्छा है सड़क पर उतर कर काम कीजिए, तब सड़क मंत्री बनने का समझ में आएगा, अदरवाइज केवल डाकिया बनकर रह जाइए। चलिए, डाकिया बनकर रह जाएगा तेजस्वी जी ये कह रहे हैं, बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।